पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में यातायात विभाग द्वारा चलाए जा रहे यातायात माह का आज समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि डीआईजी मुरादाबाद मुरली राज रहे, एसएसपी हेमराज मीणा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण शैलेश कुमार, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद गंगवार के साथ सभी थाना क्षेत्रों के सीओ मौजूद रहे। इस अवसर पर डीआईजी मुरली राज ने कहा कि पूरे एक माह तक पुलिस ने यातायात माह चलाकर पूरे माह में चालान किए और लगभग 150 स्थानों पर कार्यक्रम करके लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और हमें अपने परिवारों के बारे में भी सोचना चाहिए। सफल कार्यक्रम पर सभी यातायात के अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एसएसपी हेमराज मीणा ने कहा कि हर साल नवंबर में इसलिए हम यातायात माह चलाते हैं क्योंकि दिसंबर और जनवरी में ज्यादा कोहरा होता है, जिसकी वजह से ज्यादा दुर्घटनाएं होती है। मोहन संकदर जी जो इस कार्यक्रम का संचालन बहुत ही खूबसूरती के साथ कर रहे थे, मैं उन्हें बोला पोस्ट ऑफिस के आपके संचालन के हम सभी मुरीद हैं। तालियां जोरदार बढ़ती रहती है। व्यक्ति बच्चे ने अपने स्कूल के भाई योगदान से कबूल करने वाले हमारे लिए हरी श्री जगवीर सिंह जी और श्री अरविंद कुमार जी भी जल्दी से सर्वाधिक चालान करने वाले हेड कॉन्स्टेबल जो हमारे हैं ललित कुमार जी, वो भी अपने क्रम में। मैं पुनः बोल रहा हूँ हेड कॉन्स्टेबल श्री भानु प्रताप जी, सूची जो दूसरी है हमारे कर्मचारी गण की और अधिकारियों की। जनपद मुरादाबाद का जो पिछले एक महीने में जो चल रहा था यातायात माह का अभियान का, उसका आज समर्पण का मीटिंग हुआ। उस पर कई स्कूल से बच्चे आए थी और सभी अधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है। पूरे एक महीना जो एसएसपी मुरादाबाद और उनके टीम एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में लगातार इन्होंने यातायात माह का कई कार्यक्रम करवाया। इन्होंने लगभग 22,000 चालान कई सभी व्हीकल को मिला के उन्होंने करवा दिया। उसके अलावा लगभग 150 स्कूल का उन्होंने स्कूल और कॉलेजेस के लिए जो कार्यक्रम कराए, उन्होंने जाके वहाँ पे बच्चे का सभी स्टाफों का जागरूकता कराया यातायात के बारे में, और कम से कम 250 नुक्कड़ सभा उन्होंने कई सार्वजनिक स्थल पर उन्होंने करवाया है। और इसके अनुसार इसके अलावा जो एफएम और हाई तरीके से सोशल मीडिया में भी लगातार जागरूकता का कार्यक्रम करवाया इन लोगों ने यातायात नियमों का पालन करने के बारे में। इसी के वजह से लगातार पिछले एक महीना जो शासन का मंशा के अनुसार जो यातायात नियमों का पालन करवाना है और साथ साथ जागरूकता कराना है, ये दोनों कार्यक्रम पूरी माह चली है। आज इसके क्लोजिंग सेरेमनी में हम आया और सभी बच्चे के हमने भी लोगों का आज शपथ दिलाया और साथ साथ उनका यातायात के बारे में नियमों के बारे में उनका जानकारी दी है। मैं सभी जनपदवासियों से निवेदन करता हूं, अपील करता हूं, आप लोग घर से निकलते समय ध्यान रखेंगे, घर सुरक्षित वापस आने के लिए सभी यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, उसमें 100% सभी सुरक्षित वापस आ सकते हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।